धार्मिक मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह। बिहारी जी महाराज और कंस महाराज की निकली शोभा यात्रा। उद्घाटन के बाद प्रारंभ हुआ झांकियां निकलने का दौर। गांधी चौक पर स्थित खोया पाया केंद्र से किया सूचना का आदान प्रदान। मेले में निकली आधा दर्जन धार्मिक झांकियां। फतेहाबाद के ऐतिहासिक 3 दिवसीय कंस मेले में रविवार की रात्रि बिहारी जी महाराज की जयकारों के साथ बिहारी जी महाराज और कंस महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। बिहारी जी महाराज डोले का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री राम सकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा डोले का फीता काटकर भगवान की आरती उतार कर किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा प्रारंभ हो गई। शोभा यात्रा में सदियों पुरानी चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए बघेल समाज के तलवारबाजों का अखाड़ा अपने कर्तव्य दिखाते हुए चल रहा था। पीछे कंस महाराज की सवारी बैंड बाजों के साथ चल रही थी। पीछे पीछे भगवान बिहारी जी महाराज का डोला मधुर बैंड बाजों की धुन दधी लीला कमेटी के पदाधिकारी नाचते गाते चल रहे थे। इसके बाद मनोहारी झांकियों का दौर प्रारंभ हो गया। झांकियां निकलने का दौर रात के 10 बजे से प्रारंभ होकर देर रात्रि तक चला। रोडवेज बस स्टैंड पर बिहारी जी महाराज ने पापी कंस का अग्नि बाण मारकर वध किया। बिहारी जी महाराज के कंस वध करने के बाद बिहारी जी महाराज की जयकारे के गुंजमान हो उठा। मेले में निकाली गई धार्मिक भोलेनाथ, खाटू श्याम, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती आदि धार्मिक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वहीं 2 साल बाद लगे कंस मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह था। बड़ी संख्या में मेले में दुकानदारों और खेल तमाशे वालों ने भी भाग लिया। हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। जैसे जैसे शाम होती गई, मेले में भीड़ बढ़ती गई और सड़कों पर पैर रखने के लिए जगह तक नहीं रही। पूर्व राज्य मंत्री राम सकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि धार्मिक मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। यह आपस में मिलजुल कर भाईचारा बढ़ाने का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के ऐतिहासिक कंस मेले को और विशाल स्वरूप देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि द्वापर युग में कंस अत्याचारी राजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत करके ब्रजवासियों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इस दौरान दधी लीला कमेटी के अध्यक्ष शेखर गुप्ता, उपाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन शैलेश यादव, गोविंदा वर्मा, मनोज गुप्ता, उत्तम चंद ज्वेलर्स, पीयूष गुप्ता, पूर्व सभासद अंकित गुप्ता, पूर्व सभापति सोनू गुप्ता, सूरज पोद्दार, भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष निक्की परेश्वर, भाजपा नगर अध्यक्ष नितिन पंछी आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये वाला आजकल से नहीं लगा हो रहा, ब्रिटिश काल से लगा हो रहा लग रहा है। तो तकरीबन जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, तकरीबन 125 साल पहले से ये मेला लग रहा है। पहले ये सरकारी संरक्षण में लगा करता था, धीमे धीमे आम जनता ने इसको अपना लिया और इसकी परंपराओं को, इसके रूप को और भी ज़्यादा भव्य बना दिया। पिछले 2 साल में शायद कोरोना के कारण कंस मेला न लग पाया, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि लोगों का उत्साह और लोगों की लगन भयंकर रूप से एक नया आयाम पैदा कर रहे हैं। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, कर्मण्य बात का अरस्तु मा फलेषु कदाचित, बस एक ही चीज है, बस इसी की बात। देखो, ये परंपरागत मेला है और विगत कई सालों से, मतलब हमसे तो हमें तो याद भी नहीं है कब से है, कई सालों से ये मेला लग रहा है। और यहाँ पर ये मेला फतेहाबाद में सारे लोगों का मेला है, हर आदमी पार्टिसिपेट करता है, हर आदमी को लगता है कि हमारे अपने घर का मेला है। और इसमें भगवान कृष्ण का डोला निकलता है, भगवान कृष्ण जा करके फिर कंस की सवारी निकलती है, पीछे झांकी निकलती है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके के त्यौहार मनाया जाता है, आसपास के पूरे जनपद से लोग यहाँ आते हैं, बाकी दूसरे जिलों से भी लोग, फिरोजाबाद से, एटा से, इटावा से काफ़ी लोग आते हैं।
तो इस अवसर पर तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेले को मेल शब्द से बना है और मेल का मतलब होता है मिलाप, आपस में भाईचारा दिखा करके सारे लोग मिल करके मेले में आनंद लें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण के उत्सव को अपने घर का उत्सव मान करके मनाएं, यही मेरी आशा है। और अपने मेले में आए हुए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।